इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप पेटीएम की आईडी कैसे बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके के साथ। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि पेटीएम की आईडी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, पेटीएम का अकाउंट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पेटीएम अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आप किसी को मनी और आसानी के साथ सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी पैसे आसानी के साथ कर सकते हैं। और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और किसी भी होटल की बुकिंग और खाना जैसे कि होटल में आप बुक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो दोस्तों, एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि इससे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है पेटीएम। तो जैसे आप पेटीएम यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर टॉप पर यहाँ ये देखिए मोबाइल रिचार्ज DTH पेटीएम, इसके ऊपर यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। मैंने डाउनलोड करके रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए अब हम होम स्क्रीन पे चलेंगे और इसको ओपन करेंगे डायरेक्ट होम स्क्रीन से। तो चलिए ये मैं ओपन कर चुका हूँ। तो ये ट्रस्टेड ब्रांड है, कोई इसमें ये एप्लीकेशन बहुत ही तगड़ा है। तो चलिए ये लैंग्वेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली जो भी आप लैंग्वेज अच्छे से समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, गुजराती, कनाडा या मलयालम, सारे लैंग्वेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश से सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये सेट कर रहा है लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज सेट कर लिया। अब आपको सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर से अलाउ, फिर से अलाउ। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है ये ध्यान से देखिए। तो इसको होने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास पहले से अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिए, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक मोबाइल नंबर डालें और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट पेटीएम पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाने की यहाँ पे जो मेन बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 6 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर, 6 अच्छा डालना है जिसमें से एक अक्षर उसमें होना चाहिए नंबर का, कोई भी मिला करके आप डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लेना है। अगर ईमेल एड्रेस लिखे तो चलेगा, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे सब फटाफट हम फिल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको क्लिक करना है यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर। तो चलिए हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहें तो ईमेल एड्रेस डाल भी सकते हैं, ऑप्शनल है, ये नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। ये देखिए जैसे कि ऊपर में आ चुका है मेरे मोबाइल के ऊपर, तो यहाँ पर इसको डाल लेंगे। तो चलिए पासवर्ड डालने के बाद अब सिंपली आपको कहाँ पे क्लिक करना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पैसा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन साइन अप हो चुके हैं आप पेटीएम में। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेटीएम अकाउंट क्रिएटेड के बाद आपको RBI गाइडलाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे पैन कार्ड या पासवर्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी आपके पास एक चीज़ है यहाँ पे आप KYC करने के लिए ज़रूरी खोजता है। तो चलिए दोस्तों एक और वीडियो मैं उस बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा इसमें से KYC कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको KYC करने के लिए आपको पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करके सीधे सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद पैन नंबर आपको डाल देना है। तो चलिए अभी आपको ये नहीं पे आपको सिंपली आप कहाँ पर क्लिक कर लेना है, डू इट लेटर के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए क्या क्या आपको फ़ायदे मिले हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या करेंगे। देखिए अप टू 300 कैशबैक व्हेन यू पे पेटीएम सेलेक्ट CCD स्टोर। यहाँ पे आपको CCD स्टोर से पे करने पे आपको 300 रुपये का छूट मिलेगा। यहाँ पे ऊबर अगर बुक करते हैं तो पेटीएम के थ्रू पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे 1000 का कैशबैक मिलेगा। तो ये सारे फीचर हैं जो कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है ग्रैबनर के ऊपर। अब यहाँ पे कूपन कोड मिलता है तो यहाँ पे जो भी कूपन कोड मिलेगा बाद में मैं देख लूँगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। ये देखिए मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच रिचार्ज, मूवी टिकट, क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे ट्रेन टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैशबैक 30% आपको मिलेगा स्टार्टिंग 1 रुपये, और यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। और यहाँ पे जैसे कि नीचे कुछ देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस है, यहाँ से आप कुछ सामान परचेस भी कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट से। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रेन टिकट, बस टिकट, मूवी टिकट, ये सारे टिकट हैं। फ्लाइट टिकट भी आप बुक कर सकते हैं, होटल भी बुक कर सकते हैं।